नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट स्टैम्प के बारे में। क्या ये टोकन है, क्यों मार्केट में आया है, क्या सॉल्यूशन लेके आया है और क्या इसका फ्यूचर स्कोप होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जितने भी लोग नए हैं जो क्वांट स्टैम्प को परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने दो लिंक दिए हैं, बाइनेंस और कुकॉइन का। आप उन एक्सचेंज के अंदर जाके इसको परचेज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं क्वांट स्टैम्प की। तो बेसिकली क्वांट स्टैम्प क्या है, इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है द प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो मेन फंडा है ना इसका क्वांट स्टैम्प को बनाने का, क्वांट स्टैम्प के पीछे जो टीम है उनका जो मेन फंडा है वो ये है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना चाहते हैं। इसके ऊपर ये पूरा बना है, ये टोकन है एक्चुअली क्वांट स्टैम्प। तो एक्चुअल में क्या है ना चीज़, वो ये है कि इसके पीछे एक जो टीम है वो क्या कर रही है, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहे हैं उनका जो विजन है वो ये है कि जितने भी बन रहे हैं इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करेंगे उन कॉन्ट्रैक्ट पे वल्नरेबिलिटी जो होगी, जो कमियां होंगी उनको फाइंड आउट करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको दूर करने का काम करेंगे क्वांट स्टैम्प के पीछे की जो टीम है वो। ठीक है, अब बदले में क्या होगा, जो बंदा उसे आइडेंटिफाई करेगा उसको क्वांट स्टैम्प का टोकन एज ए रिवार्ड के तौर पर मिलेगा। और जितने भी कंपनी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कराना चाहती हैं वो क्वांट स्टैम्प से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और उन लोगों को क्वांट स्टैम्प परचेज करके क्वांट स्टैम्प की टीम को देना होगा। तो बेसिकली जो टोकन आया है वो इस फंडे के साथ चल रहा है, जो बंदा आइडेंटिफाई करेगा उसको भी टोकन मिलेगा और जो जो कंपनी जो अपना डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन निकाल ली है उनको अगर ऑडिट कराना है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तो वो इन लोगों को टोकन देगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा कुछ लिखा है इन लोगों ने यहाँ पर को। ठीक है, अभी बात करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना इतना ज़रूरी क्यों है, ये भी तो समझना होगा। जो बेसिक है मैंने बता दिया आपको, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसको सिक्योर क्यों करना है, जब आप इसको समझोगे तो हो सकता है आप एक सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप पढ़ोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये है, अब एक ऐसा हुआ ना, एक छोटी सी चीज़ में उसका बंदे का जो इसका CEO है उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उस बंदे ने एक जगह पे बात कही थी कि बीच में एक अटैक हुआ था, एक साइबर अटैक हुआ था, हैकर्स ने एक अटैक किया था, उसमें क्या किया उन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कुछ हैक करके कुछ कितने मिलियन डॉलर का वो निकाल दिया, क्या कहते हैं आपका इथेरियम या ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था, अब एग्जैक्टली क्या है वो देखना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हुआ, जो इसका CEO है ना, जो बंदे ने बना रखा है जिसने इसको शुरुआत करी है क्वांट स्टैम्प की, तो उसका भी कुछ पैसा थोड़ा वहां पर घुस गया था, डूब गया था। तो उसने क्या सोचा, यार ऐसा नहीं, ऐसा तो बेकार है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहे हैं इतने सारे, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर कहीं पे एक लाइन भी अगर मिसिंग हो तो हैकर्स को जगह मिल जाती है उसको हैक करने के लिए। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर होने चाहिए, ताकि कोई भी बंदा दोबारा से इस तरह का हैक वैक ना कर पाए चीज़ों को। तब जाके उनने क्वांट स्टैम्प की नींव रखी और कुछ लोगों को मिला के इकट्ठा करके, एडवाइजर इकट्ठा करके, बाकी फंडर वंडर करके अपना टोकन मार्केट में निकाल दिया। अभी क्या समझना है आप लोगों ने, अभी ये समझना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसको सिक्योर क्यों करना है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर आर्टिकल खोला है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है इन लोगों ने। होता क्या है समझो, जैसे मैं हूँ आप हो, मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेसिक बता रहा हूँ जो होता है। हम लोग गाड़ी वाड़ी बेचते हैं तो कुछ स्टाम्प पेपर में लिखवाते हैं ना कि मेरी गाड़ी तुम्हारे पास चली गई है सब ऐसा। तो वैसे ही एक स्मार्ट मतलब ऐसी एक अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तुम्हारे मेरे बीच में, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कि 4 महीने बाद जब इतना काम होगा तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, 6 महीने बाद ये होगा। तो उसमें क्या होता है, एक बीच की एक सेंट्रल एंटिटी होती है, कोई थर्ड पार्टी होती है जिसके बिना पे, जिसके बेस पे हम वो सारी चीज़ें करते हैं। और जब भी वो चीज़ें होंगी तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा देने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना आपस में डील, वैसे यहाँ पर होता है। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम लिखे होते हैं, कुछ लाइन के कोड लिखे गए हैं, वहाँ पर सारे रूल्स डिफाइन किए गए हैं। कोई सर्टेन कंडीशन अगर मिलती है, अगर वो चीज़ें अगर कोई कंडीशन अगर मिलती है तो वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। मान लिया मैंने किसी को पेमेंट दिया, तो मैंने क्या किया, पैसा दिया। ठीक है, पैसा देने के बाद अगर वो सक्सेस होता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के पास पैसा चला जाएगा। इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ प्रोग्राम है और किसी सेंट्रल एंटिटी या थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। आपने सारे कोड लिखने हैं, प्रोग्राम लिखने हैं और ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होगा जब जब कंडीशन मिलेंगी। तो इस तरीके से काम करता है। अभी एक एग्जाम्पल है, उसको समझना नीचे, बहुत बढ़िया इनने एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर को। यहाँ पर क्या है, दो बंदे हैं मान लिया, एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है बॉब।
ठीक है, मैंने बॉब को कुछ सामान भिजवाना है, बहुत इम्पोर्टेंट सामान है, मैंने बॉब को भिजवाना है। अब मैंने क्या किया, एक ट्रक वाले को कॉल किया, मैंने कहा भाई ये सामान है ले जाना है बॉब के पास। तो ट्रक वाला आया, ट्रक वाले का नाम है टॉम, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम्हारा जो सामान है वो है बहुत प्रीसियस, भिजवाना है बॉब के पास। तुम्हें तो बॉब पे भरोसा है, दो शक पैदा हो रहे हैं यहाँ पर को, तुम्हें बॉब पे भरोसा है लेकिन तुम्हें टॉम पे भरोसा नहीं है, जो तुम्हारा ट्रक ड्राइवर है तुमको उस पर भरोसा नहीं है। तुम ये सोचते हो कि ये ले जा भी पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, और साथ में दूसरा शक आ रहा है टॉम को कि यार मैं ले जा तो दूंगा वहां तक का, लेकिन ये बंदा मुझे पैसा देगा नहीं देगा, मतलब मैं अगर मैं भिजवा रहा हूँ बॉब के पास तो वो टॉम सोचेगा कि मैं इसको पैसा दूंगा या नहीं दूंगा। तो ये शक पैदा हो रहे हैं दो। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर मान लिया मैंने जो अपना सामान भिजवाया है अगर टॉम उसको दे देता है, डिलीवर कर देता है, तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि वहाँ पर जब बॉब को वो सामान मिल जाएगा तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, प्रोसेस होगा, कोई लीगल पेपर बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद प्रिंट साइन, इस तरीके से साइन वाइन होंगे, प्रिंटेड निकाले जाएंगे, इस तरीके से लिखा है। जो बेसिक होगा ना प्रोसीजर वो होगा। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया इसके बीच में, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ भिजवाना है उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो इस तरीके से बनता है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर की जरूरत होती है, लीगल पेपर प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रिंट और साइन होते हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को आप सिंपल करो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि तुमने क्या किया, एक पेमेंट ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपने एक पेमेंट कहीं पर रख दी। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, कैसे काम होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, आपने एक पेमेंट पहले ही रख दी है कहीं पर को, वो समझ लो कोड के अंदर है, मतलब आपने कोड लिख दिया है और पेमेंट हो गई है वहां पर, लेकिन वो टॉम के पास नहीं गई है। अब क्या होगा, जैसे टॉम जो है हमारा ट्रक ड्राइवर, जब वो बॉब के पास जाएगा और डिलीवर कर देगा और बॉब कंफर्म कर देता है, तो वो जो पेमेंट हमने करी है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, किसको, टॉम को। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, समझना चीज को, कोई थर्ड पार्टी के पेपर साइन करना, ये करना, वो करना कुछ नहीं है। हमारा जो हमने पैसा देना है टॉम को वो हमने ऑलरेडी कहीं पर रख दिया, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रूल डिफाइन कर दिया कि जब ये जो चीज़ है हमारी वो बॉब के पास पहुंचेगी, बॉब कंफर्म करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा रिलीज होके टॉम को मिल जाएगा। अभी ये चीज़ तो हो गई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इसको और सिंपल करो। अब आती है एग्जैक्ट डेफिनेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, वो समझो। यहाँ पर इनने बोला है कि लेट्स मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड, व्हाट इफ वी कुड हैव अ जीपीएस ट्रैकर अटैच टू द पैलेट। जो चीज़ मैं भेज रहा हूँ ना, जो आइटम मैंने भेजा है, अगर मान लिया उसमें कोई जीपीएस ट्रैकर हमने लगाया, देन वी सिंपली सिंपली कुड एलिमिनेट बॉब फ्रॉम दिस प्रोसेस एंड जस्ट रिलीज द पेमेंट ऑटोमेटिकली व्हेन द लोकेशन रूल इज मेट। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा मतलब है समझो, कि पैलेट में मैंने एक जीपीएस ट्रैकर लगाया, ठीक है, और जैसे ही ये सामान जो है वो तुम्हारे बॉब के यहाँ पर पहुंचा, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, वो पेमेंट जो होगी रिलीज हो जाएगी और किसको मिल जाएगी, टॉम को मिल जाएगी। तो यहाँ पर को सारी चीजें हटा दी हमने, ठीक है ना, जो मेन चीज है जो पहुंचनी थी, जहां पहुंचनी थी, हमने उसी में एक ट्रैकर फिट कर दिया, वो जैसे ही वहां पर उस जगह में पहुंचेगी अपने यहाँ पेमेंट रिलीज हो जाएगी। अभी ये है एक एग्जाम्पल, खाली समझने के लिए, बहुत लोग समझे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ समझो होता क्या है, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इन लोगों ने लिखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए पीस ऑफ कोड विच इज स्टोर इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। इसके बाद लिखा है इट डिफाइंस द कंडीशन टू विच ऑल पार्टी यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट अग्रीज, सो इफ रिक्वायर्ड कंडीशन आर मेट सर्टेन एक्शन आर एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन डिफाइन होती है जिसको सारी पार्टी, सारे जितने भी लोग हैं वो अग्री करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई कंडीशन मिलती है, अगर कोई कंडीशन मिल जाती है कहीं पर को, तो वहां पर को क्या होता है, कुछ जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और अपना काम कर देते हैं। इस तरीके से होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी होता क्या है वो समझो, कि जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन रही है, डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ये है कि वहां पर कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होगी, कोई भी सेंट्रल बीच की थर्ड पार्टी नहीं होगी। अब वो कैसे बनेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी तो कौन उसे कंट्रोल करेगा, कैसे पैसा देंगे। हम जब किसी के एक्सचेंज से टोकन परचेज कर रहे हैं तो कहीं तो कुछ हो रहा होगा, कहीं तो वो चीजें जाएंगी, कोई तो होगा जो उसे हैंडल कर रहा होगा। वहां पर को, यहां पर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है ना। जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन रहे हैं, जितने तुम आईसीओ लॉन्च होते हुए देख रहे हो, उनके पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर रूल डिफाइन होते हैं कब कैसे चीज क्या काम करेगी। पैसा देगा तो उसको टोकन मिल रहा है, मैंने किसी और को टोकन भेजा, वो कैसे गया, क्या गया, वो सारी चीजें रूल्स उसके अंदर डिफाइन होती है। जब वो कंडीशन मिलेगी तब जाके हमारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। इस तरीके से इनने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। इसके अलावा थोड़ा सा समझ लेना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा समझ लो। बहुत सारी चीजें जो तुम आगे देखोगे, जो टोकन परचेज करोगे, कई सारे टोकन तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर निकल रहे हैं।
इथेरियम तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, कार्डानो पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, नियो तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, नल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, बहुत सारे जो टोकन आ रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। अभी यहाँ समझो क्या लिखा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हेल्प यू एक्सचेंज मनी प्रॉपर्टी शेयर्स और एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन अ ट्रांसपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्री वे वाइल अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ मिडिलमैन। किसी भी मिडिलमैन के बिना हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी प्रॉपर्टी शेयर्स और एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन अ ट्रांसपेरेंट और कॉन्फ्लिक्ट फ्री वे। इस तरीके से हम चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का लेन देन कर सकते हैं, हमें किसी भी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस लेन देन के लिए। सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होंगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे और ऑटोमेटिकली वो कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाएगी। तो ये है चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अब तुम यहाँ पर देखो ये कोड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, मैं समझा तुम्हें इसलिए रहा हूँ ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरी है मेरे भाई, एक बार समझ लोगे आगे समझना नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे हुआ क्या ना, अब आती है क्वांटस्टैम्प की बारी आएगी, तो मैं क्वांटस्टैम्प के बारे में बताऊंगा। हुआ क्या मेरे भाई कि ऐसा हुआ जो इस बंदे ने अपनी बातें बताई है ना, इस जो क्वांटस्टैम्प का सीईओ है, इसने बोला कि क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में पता नहीं क्या बोल रहा था कि मेरे खुद खुद के पैसे घुस गए थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक जगह पे इसने लगाए होंगे वहां घुस गए। क्यों घुसे? क्योंकि किसी हैकर ने हैक कर लिया और इन लोग के सारे पैसे उड़ गए वहां से। तब से इन्हें सोचा कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर क्या है ना, इनने एक चीज़ बताई थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे, बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, उसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं अगर वो किसी भी प्रोग्राम में वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, कोई कमी फाइंड आउट करते हैं, तो उनको इनाम मिलता है, बोनस मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वांटस्टैम्प का एक विजन है ना, उसी विजन में एक तरीका इनका ये भी है कि ये लोग चाहते हैं कि जितने भी बंदे आज दूसरा काम में लगे पड़े हैं, हैक करने में या फिर फालतू की चीज़ों में लगे हैं, उन लोगों को भी एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड हो सके कि वो किसी की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करें, बदले में जेल न जाने की बजाय उनको रिवॉर्ड मिले। वो तो यही रहा है ना, दो टाइप के हैकर हैं, एक व्हाइट हैट है एक ब्लैक हैट है। व्हाइट वाले बंदे क्या करते हैं, वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और लोगों को बताते हैं, कंपनी को भेजते हैं रिपोर्ट कि ये चीज़ें इसमें कमी है। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो लोग हैक करके सारा पैसा खुद ही ले लेते हैं। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं क्वांटस्टैम्प वाले, एक तरीके से मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि जो हैकर हैं वो भी सही चीज़ों में आएं, वल्नरेबिलिटी ढूंढें और बदले में उनको इनाम मिले, टोकन मिल जाए, जिसके पैसा मिल जाए, जो भी है, इस तरीके से इनका काम है। ठीक है, तो अब ये क्वांटस्टैम्प वाले क्या कह रहे हैं कि सिक्योर करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों करना है? देखो भाई, इसलिए करना है क्योंकि सारी एप्लीकेशन जो लॉन्च हो रही है उनके पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सारा जो लेन देन होता है ना हमारा, जितनी भी उनको फंडिंग मिल रही है, सारे के सारे रूल डिफाइन है मेरे भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। थर्ड पार्टी नहीं है, वही चीज़ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है वहाँ पर और कुछ नहीं है। अब वही जो चीज़ है मेन, उसी पर सारा काम कर रहा है, अगर उसी को किसी ने हैक कर लिया तो फिर क्या होगा? इसलिए वो चाह रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना है। अब इन्हें क्या लिखा है नीचे, यहाँ देखो इन्हें लिखा है कि क्वांटस्टैम्प इज द फर्स्ट स्केलेबल सिक्योरिटी ऑडिट प्रोटोकॉल डिजाइन टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इथेरियम के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने हैं, इथेरियम बेस्ड जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने हैं, उनको ऑडिट करके उनकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके उनको सिक्योर करने का काम कर रहे हैं क्वांटस्टैम्प के पीछे की टीम। अब ये बोल रहे हैं कि आवर टीम इज स्टेलर, पीएचडी विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, बैक्ड बाय अ पावरफुल ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड। इस तरीके से इन्होंने लिखा है, ये देख लेना खुद ही। उसके बाद इन्होंने कहा है कि तीन फायदे होते हैं जब आप क्वांटस्टैम्प को यूज करते हैं, इन लोगों की टीम को यूज करेंगे या फिर इस टोकन का यूज करके जब आप अपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑडिट करवाएंगे, तो तीन फायदे मिलेंगे। पहला तो यह है कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि जो बंदे यहाँ काम करेंगे आपके लिए क्वांटस्टैम्प वाले, यहाँ पर को बहुत खर्चा आता है। कभी भी तुम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करवाओगे तो उसमें खर्चा आता है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारी चीज़ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्चा नहीं आएगा इतना। दूसरा कह रहे हैं कि स्केलेबल है। अभी स्केलेबल का मतलब समझो क्या है, इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने कि क्वांटस्टैम्प प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू स्केल टू वेरीफाई ऑल इथेरियम प्रोजेक्ट। इसका मतलब यह है कि जो इथेरियम के वे जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना जहाँ पर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ हो रहा है, उसकी भी तो अपनी एक स्कोप है ना। अभी जो मान लिया तुमने एक स्टैंडर्ड का कोई ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट करने में भी यह है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑडिट करोगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि इथेरियम के बेस जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जिस टाइप के भी, जिस वैरायटी के भी होंगे, हमारी टीम कैपेबल है उन सबको ऑडिट करने के लिए। तो इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बेसिकली, और ये लोग कर लेंगे उसको सिक्योर कर लेंगे, ऑडिट कर लेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका यूज करते हैं क्वांटस्टैम्प का और इनसे या फिर इनके जो कम्युनिटी है उनसे करवाते हैं, तो ये सिक्योर है पूरा प्रोसेस, यानी कि आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिक्योर रहेगा। बाकी इन लोगों ने लिखा है कि आवर विजन फॉर ऑडिटिंग इज सिंपल, मोर ऑटोमेशन, हाईली हायर सिक्योरिटी एंड लोअर कॉस्ट। ये इन लोगों ने लिखा है यहाँ पर को। बाकी सपोर्टेड बाई में देखो कॉम्बिनेटर, ब्लॉकचेन, ब्लॉक फोलियो, रिक्वेस्ट नेटवर्क, इन लोगों के लिए इन लोगों ने सपोर्ट किया है इनको, साइंस, ब्लॉकचेन, क्वीन,
टीम इन रेजिडेंस, पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है। बाकी टीम देखो, ये बंदा जो है ना रिचर्ड माँ, ये है इसका को फाउंडर एंड CEO, ठीक है। इसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। स्टीवन स्टीवर्ट जो है इसका को फाउंडर एंड CTO है। एडवर्ड जिलोक्सकी, ये इसका सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर है। बाकी इसमें इंडिया के भी दो चार बंदे दिख रहे थे। एक तो भाई ये है अपना कृष्णा श्रीराम, यह है कम्युनिटी मैनेजर और PR। इसके अलावा प्रीत सेठ, ये तो खैर नहीं होगा इंडिया का। बाकी ये देखो इतने सारे लोग हैं, इनमें टीम तो अच्छी है इन लोगों की, ठीक है। एडवाइजर एडवाइजर बोर्ड में इनके ये लोग हैं। एक भाई और मिला यहाँ पर इंडिया का, डॉक्टर विजय गणेश, पता नहीं इंडिया के हैं USA के, जहाँ के भी होंगे, लेकिन जो ब्रीड है वो इंडिया की होगी सारी की सारी, ठीक है। अरे यार मैंने ब्रीड बोल दिया है भाई, सॉरी यार, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब देखो मैंने वैसे बोला है, मतलब हम भी ब्रीड ही हैं यार, इंडिया के तो हैं, तो उस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी क्या कहते हैं, इतने सारे लोग हैं इनके। बाकी इनकी वेबसाइट जो है ना बहुत सिंपल वेबसाइट इन लोगों ने बना रखी है। कुछ खास इनकी वेबसाइट में मतलब डिजाइन भी करना होता तो सही से कर लेते थोड़ा सा। अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल में बताऊँ ना, अभी ये देखो ये पीछे से इन्हें सितारे छोड़ रखे हैं, बर्फ़ उड़ रही है। यार भाई ऐसा काम नहीं होता ना यार, काम ये होता है कि जब कोई बंदा पढ़ेगा तो उसका पीछे ही ध्यान जाएगा, इसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वेबसाइट में इनने कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल जो खटारा वेबसाइट जिसे हम कहते हैं ना थर्ड ग्रेड की वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है थर्ड ग्रेड की वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि मैं वेबसाइट बनाता हूँ भाई, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वेबसाइट के बारे में। जो मुझे लग रहा है इसका डिज़ाइन देख के, ये बिल्कुल लोअर से भी लोअर क्वालिटी की है। इससे बढ़िया हमारे यहाँ के छोटे छोटे बंदे जो है ना 10th 12th पास करिए, वो भी बना लेते हैं इससे अच्छी वेबसाइट। तो आप देखो आगे आगे क्या है, देखो ये है कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा। इसके बाद बात करते हैं, ये तुम्हें बता दिया, ये क्यों आगे बढ़ेगा वो समझो। क्या हो रहा है ना, इनने लिखा कि इट्स वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज डिमांड फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज ओवर टाइम। इसका मतलब यह है कि जो क्वांट स्टैम्प है, आप लोग कहेंगे कि क्वांट स्टैम्प के टोकन अगर मैं परचेज करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ेगी ना मेरे भाई कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं, इथेरियम के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पूरा मार्केट जो है ना आज के समय में ज़्यादातर इथेरियम के ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तभी जाके तो इन लोगों ने इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करने के लिए बना रखा है, ठीक है। बाकी कार्डानो भी है, खैर होने को तो नियो भी है, नल्स भी काम कर रहा है, लेकिन जो मोस्टली चल रहे हैं वो इथेरियम के चल रहे हैं। अगर उनकी संख्या बढ़ती है और बढ़ेगी, ये बात तुम मान के चलो, मैं प्राइस बढ़ने की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जितने भी कंपनीज हैं ना आज वो अपने सॉल्यूशन को इसमें अपने अपनी कंपनी में वो अपना एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं सुनो, इसलिए चाहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही है कि आपको किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट ना हो। सब थक गए हैं मेरे भाई, सारे के सारे लोग थक गए हैं थर्ड पार्टी से। साला एक बार उससे पैसा कटता है, दूसरा कस्टमर को परेशानी होती है, वहाँ पैसा कटता है, वहाँ पैसा कटता है, हर बंदा परेशान है थर्ड पार्टी से। उनको चाहिए कोई थर्ड पार्टी ना हो, सिर्फ कुछ चीज़ें हो जो डिफाइन हो ऑलरेडी किसी प्रोग्राम में, और वहाँ से हमारी चीज़ें हो जाएं, यानी कि यूज़र भी उसी प्रोग्राम का यूज करे और जो कंपनी है वो भी इसी का यूज करे। तीसरे बंदे नहीं होने चाहिए कि तुम्हारा पैसा पहले कहीं जा रहा है, वो बंदा प्रोसेस करके अपना कमीशन काट रहा है, फिर आगे उसको भेज रहा है, ऐसा किसी को नहीं चाहिए। तो जितने भी कंपनी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो आज चाह रहे हैं कि हमारे जगह पे हम ब्लॉकचेन के हिसाब से कोई थर्ड पार्टी का ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्रिएट करें। अब जितने ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनेंगे उतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और जितने लोग इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करेंगे तो समझ लो उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि हर बंदा ऑडिट करवाए, लेकिन अगर कोई ऑडिट करवाते हैं तो वो अपने आप ही ऊपर बढ़ रहे हैं ना चांसेज। जितने ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उनको लगेगा कि यार सिक्योर भी करवा लेते हैं, एक बार दिखा लेते हैं किसी को, क्या पता कुछ अच्छी चीज़ हो जाए, तो उसके लिए वो क्या पता क्वांटस्टैम्प का यूज करें, तो उस हिसाब से इसके टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, ऑडिट कराने के लिए उनको क्वांटस्टैम्प के टोकन देने होंगे, और जो बंदे फाइंड आउट कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी, मतलब बम्बल हो जाता है मुँह से, तो ये फाइंड आउट करने के लिए, कमियाँ फाइंड आउट करने के अवार्ड, उसको जो रिवार्ड मिलेगा उन लोग को, वो भी क्वांटस्टैम्प के टोकन मिलेंगे। तो इस वजह से लगता है कि अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बनते हैं, तो उस पर सिक्योर कराने के लिए भी वो लोग सोचेंगे, और जब वो सोचेंगे तो क्वांटस्टैम्प के टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है। यह है इसका बेसिक एक फंडा, ठीक है। अभी यहाँ पर चार्ट देखोगे आप इसका, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 61 करोड़ टोकन है मार्केट के अंदर, और बाकी ये जो दिखा रहा है टोटल वॉल्यूम 24 आवर्स की, ये इतना दिखा रहा है मार्केट कैप इसकी इतनी चल रही है, और इसके अलावा 25 रुपये का अभी ये टोकन मिलेगा आप लोग को। अभी जो गया है ना प्राइस, इसका बहुत ऊपर गया है, क्योंकि सारे प्राइस ऊपर चले गए थे। तो देखो अब ये तो देखेंगे नहीं कि प्राइस ऊपर गया है नीचे गया है, जिस बंदे को देखो विजन मैंने पूरा बता दिया है, विजन क्या है तुम समझ गए होगे, अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी बंदे हैं ना, वो तुम यकीन मानो कि अभी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के बारे में बहुत ध्यान से सोच रहे हैं,
उनको चाहिए कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड अपनी एप्लीकेशन बनाए जिसके जिसके बेनिफिट से थर्ड पार्टी से हट जाएं। जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी पेमेंट जिसको करनी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करेगा। सारा कोड तुम्हारे जो पेमेंट है ना उसको पूरा कोड संभालेगा, जो कोड वहाँ पर लिखे गए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो संभालेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है एक तरीके से। तो ये क्या है ना, जैसे जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी तो क्वांटस्टैम की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि क्वांटस्टैम इसमें काम कर रहा है। अभी जैसे अगर क्वांटस्टैम के जैसे दूसरे भी आ गए तो बातें अलग होंगी, लेकिन एक चीज़ है इससे हो सकता है, प्राइस इसका 25 रुपया है, अभी ज़्यादा गया है, देख लेना, अगर कहीं घट जाता है बढ़ जा कहीं घट जाता है तो देख सकते हो परचेज करने के लिए। बाकी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें जो सही लगता है वो करना। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं क्या है, और निगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या होगा बता देता हूँ। दो चीज़ें हैं जो मुझे निगेटिव लगी, ठीक है। पहली चीज़ तो यह है कि केवल इथीरियम बेस्ड है, ठीक है ना, इथीरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कर रहा है। मान लिया कार्डानो चल गया, ठीक है, मान लिया नियो पे ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो फिर तुम लोगों का क्या है कि अब तुम हो गए पुराने क्वांटस्टैम वाले, फिर ये लोग बनाएंगे नियो के लिए। अभी तो इनने कुछ डिफाइन किया नहीं, अभी तो इनने ये कहा है कि इथीरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मार्केट पूरी इथीरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम के उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कार्डानो बहुत जल्दी बढ़ता है आगे, एक सेकंड भैया, तो मैं कह रहा हूँ कि कार्डानो अगर बढ़ता है, नियो बढ़ता है, तो फिर भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक डिसएडवांटेज है उस चीज़ का। दूसरा मुझे जो लगता है ना कि देखो टीम तो यार देखो कायदे में ठीक है टीम, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने इसका इंटरव्यू देखा था और मुझे ऐसा लगा कि भोले बाबा का प्रसाद लेके आया था इंटरव्यू में, मतलब झांझ में रहते हैं लौंडे हमेशा बिल्कुल। अब चलो ऐसा है ना, लड़के टाइप के हैं सारे के सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़कों पे मैं कोई शकसुबा नहीं कर रहा हूँ, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। वो इथीरियम वाला बंदा देख लो 22 साल का है वो बंदा, और इथीरियम कितनी बड़ी चीज़ है, तो काम तो सारे लड़के ही करेंगे, जितने भी यंग लड़के हैं ना 25 साल से कम के या 30 साल से कम के, जो भी कुछ करेंगे ना तगड़ी चीज़ वही बंदे करेंगे, उनके दिमाग में आती है चीज़ें तगड़ी वाली, और मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लड़के, उनको पता होता है कि कुछ करना है दिखाना है करके, इस तरीके से सोचते हैं वो लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि टीम जो है ना उतना ज़्यादा ऐसा, अगर तुम कहो ना कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो लग नहीं रहा कि उतना ज़्यादा है। अभी लड़कों में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, काम तो बहुत तगड़े तरीके से कर देते हैं, लेकिन एक जो स्टेबिलिटी होती है ना समझ की, एक वो जो होती है आगे बढ़ाने को, हर चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। टीम में वो डेडिकेशन और उतना अंदर से विल पावर होनी चाहिए, कभी अगर नीचे चले भी जाते हो, पैसा घट भी जा रहा है, तुम्हारे शेयर के दाम घट रहे हैं बढ़ रहे हैं चाहे जो हो रहा है, उस फेज को उभारने के लिए कोई एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जिसके अंदर उस टाइप का विल पावर होनी चाहिए, उसके पास दिमाग होना चाहिए। लड़के बहक जाते हैं जल्दी, कभी मान लिया कुछ हो गया, क्वांटस्टैम नहीं चला, पता चला बंद करके निकल लिए, उसके बाद पता ही नहीं है कौन सी टीम कहाँ गई, लड़के क्या चल रहे हैं क्या कर रहे हैं। इस तरीके से अगर मैं सोचूँ ना, देखनी पड़ती सारी चीज़ें। टीम अच्छी है, एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, नीचे अगर देखो तो ये हैं, लेकिन जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे बहुत ही यंग टाइप के हैं ये लोग, एक हाथ को अगर छोड़ दें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 24-25 साल के लौंडे होंगे, ऐसा लग रहा है इनको देख के, भले ही ये एजेड होंगे कुछ ज़्यादा। अब जो भी है मैंने देख के बता रहा हूँ तुम लोगों को, टीम इनकी बाकी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट जो है ना इनकी कुछ खास लगी नहीं यार, बहुत सिंपल वेबसाइट है, पता नहीं ऐसी वेबसाइट क्यों बनाते हैं ये लोग, ये भी करना है काम तो सही तरीके से करना चाहिए। तो तीन चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लग रही है इनकी, सही क्या नहीं लग रही है, दूसरी चीज़ जो है ना, मैं कोई शकसोबा नहीं कर रहा हूँ भाई, ये बंदों ने बहुत काम किया, इसके बारे में पढ़ लेना, बंदे सही है, लेकिन वही है बस थोड़ा सा एक हल्का सा डाउट टाइप का है मन के अंदर। तो बाकी यह इतना है क्वांटस्टैम के बारे में, मैंने सब बता दिया आप लोग को, जब भी प्राइस तुम्हें सही लगेगा तो देख लेना, चीज़ें तो सही कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको सही कर रहे हैं। तो ये था इस वीडियो में गाइस, जिसको परचेज करना हुआ नीचे दो लिंक दिए हैं मैंने बाइनेंस और कूकॉइन का, अगर चाहते हो परचेज करना तो जा सकते हो। बाकी ये था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या उधर रहो।